गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव को लेकर आज हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुख्यमंत्री आवास पर एसजीपीसी प्रधान गोविंद सिंह, लोगोवाल दमकमी टकसाल के प्रमुख पटना साहिब के जत्थेदार सिंह साहब, नीलधारी समुदाय के प्रमुख समेत सिख समाज के कई संत मुखी के साथ बैठक हुई, जहां बैठक में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के समागम को लेकर चर्चा हुई और बैठक में तय किया गया कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव में समागम सिरसा में मनाया जाएगा। कुछ स्थान मुझे बनने चाहिए जिससे लोगों को आन की प्रेरणा मिले, संतान के संदेश, संतान के उपदेश, उन्होंने जी दर्शन करने के जो स्थान ने एक गल दसना है कि हजाबाद म्यूजियम की जी गल आई है वो विचार किया गया कि एक वाला म्यूजियम जरा सारे गुरुआ के जिन्नी भी इतिहास है जिन्नी उन्होंने उपरा यानी जो उस टाइम के जो जीवनिया कथा कहानी है वो सारी प्रदर्शन कर दिया फिर कुछ गुरु दशम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के टाइम के जोड़े हथियार भी ने और उस सब के प्रदर्शन कर दिया एक म्यूजियम एक कुरुक्षेत्र बनाया जाए बैठक में एसजीपीसी के प्रधान गोविंद सिंह लोगोवाल की तरफ से समागम में किसी भी तरह के लिए सहयोग जताया। गुरु नानक पातशाह जी का 550 साल सतगुरों ने सारे संसार का चक्कर ला के भला करना, किरत करनी, नाम जपना, वंड के छकना, जो संसार नूं संदेश दिता जात पात तो उत्ते, और सतगुरु ने सारे वर्ल्ड विच जा के घर घर उपदेश दिता। गुरु नानक पातशाह ने क्षत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौ वर्णा को सांझा। अज साडे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब जिन्हां ने सारा संत समाज दमदमी टकसाल के मुखी, संत समाज के प्रधान और साबका जथेदार अकाल तख्त साहब और पटना साहब के जथेदार सिंह साहब, इस तरह सारे अलग अलग इलाकों के तलोकिया महापुरुख, बुढ़ा दल के बाबा बलबीर सिंह जी, 96 करोड़ी उन्होंने वालों बाबा जस्सा सिंह जी, नीलधारी संपर्दा वालों बाबा दया सिंह जी, इस तरह वक् वक् संपर्दावान में सारे महापुरुख अज हाजिर होए हैं। 51 महापुरुखों की सोच सी उन्होंने भी अजे थोड़े महापुरुख सदीए फिर एक विशाल मीटिंग करांगे, तो 51 तो भी वध महापुरुख अज हाजिर होए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो प्यार दिता है, वो सत्कार दिता है, सारे संत मंत महापुरुख बहुत ही प्रसन्न होए हैं और मुख्यमंत्री जी वास्ते बड़िया दुआवां निकलियां ने। साडे सिंह साहब जी ने तो कहा अगले 10 साल साडे मुख्यमंत्री जी इस तरह समाज की धर्म की सेवा करेंगे, क्योंकि उन्हों का जो विशा से एक पानी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, और अज उन्होंने कहा पानी के स्तर थले जा रहे हैं, तो साडे गुरु नानक पातशाह ने पहले ही कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, सो इस विषय से भी उन्होंने जोर दिता है। गुरु नानक साहब का साडा 500 साल मनाया, दरख्त वध तो वध लाइए, प्रदूषित बड़ा हो रहा साडा इलाका, दरख्तों तो बना बारिशा घट पै रही ने, सो बड़े चंगे विचार अज हुए ने और माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी निम्रता भावना नाल सारे महापुरुखों का बड़ा आदर सत्कार किया, तो अज की मीटिंग बड़ी चढ़दी कला विच हुई है और सरसे दे विच एक वड्डा गुरु नानक साहब जी की याद में समागम मनाण वास्ते विचार हुई है, जिदी डेट अजे फाइनल नहीं हुई, 2-4 दिनों में डेट फाइनल हो जाएगी। अज श्रोमणी कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह जी लोंगोवाल वो भी हाजिर होए, उन्होंने भी बहुत माण महसूस किया और एक श्रोमणी कमेटी वालों भी ये वादा किया कि असी भी वध तो वध जिहड़ा सहयोग कहणगे देवांगे, उदासी निर्मले सारिया संप्रदायों के साधु इकट्ठे हुए हैं और सब ने बड़ी खुशी महसूस की है, साड़ी हरियाणे की स्टेट विच वध तो वध वड्डा समागम होएगा गुरु नानक पातशाह का, इस नूं सारा खुशी मनाते हुए सारे संतान ने आश्वासन दवाया और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी जिथे ड्यूटियां लाओगे लंगर दियाँ जिस विषय से, पर उन्हों का मेन जो मस्तक से भी सारे संतान की अज गल समाज के समाज के लोग मनते हैं भरोसा रखते हैं, उन्हें कहा सारे संत ये प्रचार करन भी वातावरण किवें शुद्ध रखा जाए और असी वध तो वध दरख्त लाइए, वध तो वध असी भाईचारे के सांझ पाइए, अज का उन्हों का ये मुख। दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी क्योंकि अज मुख्यमंत्री साहब ने इंग्लैंड का अमेरिका का एक दौरा है, उन्होंने गल भी की पर वह कहते भी एक दो दिन फाइनल हो जाएगा भी 15 अगस्त तो या 2-4 दिन बाद
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 7-8 4 ਤਰੀਕ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਵੀ 4 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ ਪਰ 4 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ 'ਚ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਰਿਚੈ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਧਰੋਹਰ ਬਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹੋਰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।